नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यथार्थ सुखमंगल और मैं हूं जितेंद्र बुधौली। देश भर का माहौल इस समय राममय है। अयोध्या जी में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। न केवल पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में राम पहली बार इतनी आत्मीयता के साथ याद किए जा रहे हैं। शायद जीवित व्यक्तित्व के तौर पर हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रसंग है जब राम को इतनी अनुभूति के साथ लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि देश भर में जब राम है तो हर जगह से राम को अलग अलग तरीके से माना, समझा और देखा जा रहा है नए संदर्भ में। तो हम इस समय बैठे हैं अशोकनगर के जो सबसे प्राचीन या जो अधिष्ठात्रा मंदिर है, जिसको यहाँ का देव मंदिर भी कहा जाता है, या यहाँ का प्रसिद्ध राजराजेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर, उसमें बैठे हैं। और हमारे साथ तीन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इस शहर के हैं, जिन्होंने एक बहुत लंबा समय इस शहर को दिया है। यहाँ की धार्मिक हों या साहित्यिक हों या ज्योतिष संबंधित कार्यक्रम हों, उनमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। सबसे पहले हम तीनों मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। आदरणीय ओमकार लाल शर्मा जी हैं, अशोकनगर शहर के सबसे बुजुर्ग व्यक्तित्व से हैं, पेशे से शिक्षक रहे हैं और आज भी ज्योतिष के लिए सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं। दूसरे श्रृंखला में हमारे पास बैठे हैं प्रोफेसर एस एन सक्सेना, पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राचार्य भी हैं और आजकल साहित्य साधना में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में है अशोकनगर की गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध कैलाश सती नायक जी, इनकी अभिरुचियाँ बहुत अन्य प्रकार की हैं। बहरहाल हम ज्योतिष और धर्म से संबंधित विषयों पर हैं और खासकर राम हमारे विषय। कल भी हमने ये बात ये मुहिम शुरू की थी कि जब पूरे देश में राम अपने अपने तौर पर याद किए जा रहे हैं, तो चाहे जीवन प्रबंधन का विषय हो, चाहे सोचने समझने की चीज़ें हों, चाहे दूसरी बातें हों, सबके लिए राम अलग अलग तरीके से। कल मैंने अपनी बात की थी उसी श्रृंखला को हम इन विद्वानों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर राष्ट्र को जीवित रूप में माने जाएंगे या व्यक्ति के तौर पर, तो अगर उसकी आत्मा को बनाया जाएगा तो राम। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इन विद्वानों के बीच में राम कैसे हैं, और हम अपने शहर के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जब देश भर राम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ के बुद्धिजीवी भी उनके बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्तित्व जो हैं आदरणीय पंडित ओमकार लाल परमत जी से पूछेंगे। सर, राम को लेकर आपके क्या विचार है? ओ रघुवीर सर्व संसारा तीर सदे निवा संसारा, राम जो देश तीर और सौंदर्य ये तीन के प्रतीक हैं। और आपका जो जन्म है नौवीं तिथि मधुमास होने का शुक्ल पक्ष आदि जैसे तो हरी जी का, उस समय ना आदि काम था और न संगत थी, कैसे उसमें लोक कल्याण के लिए भगवान राम ने जन्म लिया। भगवान राम की जो जन्मकुंडी है कर्क कुंडली है, उसमें सात ग्रह उत्थित हैं। संसार में ऐसी कुंडली किसी की भी नहीं है जैसे भगवान राम की है। कौन कौन से ग्रह उत्थित हैं? चंद्रमा अपनी राशि में कर्क लग गए, उसके साथ जो गुरु उत्थित है। चौथे घर में शनि उत्थित है, सातवें घर में मंगल उत्थित है, दसवें घर सातवें घर में शनि उठते और दसवें घर में मंगल उठते और तीसरे घर में आपके राहु उठते और नवें घर में शुक्र और केतु, सात ग्रह उठते हैं। और लग्न में जो है वो गुरु चंद्र योग गज के योग है, यानी गज के योग होता है हजार हाथियों में एक देव धारणा को करा जाता है, वो योग है। इस प्रकार से भगवान राम की कुंडली है और एक अद्भुत कुंडली है। वो जो है इतने ग्रह जो है सात ग्रह उसके किसी कुंडली में नहीं मिलेंगे आपको इसमें है। तो ज्योतिष के हिसाब से जो लग्न और योग बने हैं उसकी वजह से राम इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। हाँ, बहुत बने हैं, विशिष्ट कुंडली है संसार में अद्भुत व्यक्ति थे वो। इस तरह की दूसरी कोई कुंडली कभी सुनने में या नहीं? नहीं, कोई नहीं। अरे एक चीज़ और बताइए, बहुत लंबे समय से आप लगभग 80-88 वर्ष लंबे वक्त होने वाले हैं, राम मंदिर का जो आंदोलन है बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और अब राम का मंदिर बनने वाला है, तो आप जैसे बुजुर्ग अब इस चीज़ को लेकर कैसे देखते हैं? अच्छा बन रहा है। तो अभी जो इस मुहूर्त को लेकर जो बातचीत की जा रही है, आप बड़े विद्वान हैं, बात इसीलिए चल रहा है कि भाद्रपद में जो है ये भाद्रपद सावन कार्तिक माघ फागुन अगर ये इनको देते हैं इसलिए इसका विवाद चल रहा है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ठीक है, पंडितों ने निर्णय लिया है क्योंकि उसमें जो है वो सब बातें ठीक हैं। श्रावण अगर ये रख दिया तो
पूरी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जिस तरह से बात की जा रही है, मगर लोग ये भी कह रहे हैं कि राम का खुद का ही काम है तो उनके लिए मुहूर्त है और अभिजात जो है तिथियाँ क्या है, दोनों के समर्थन मुहूर्त। तो आपको लग रहा है कि अगर कुछ देर पहले किया जाता है ना, पूर्णिमा पर बहुत अच्छा मुहूर्त है, अच्छा एक चीज और बताइए, आपके लंबे समय से साहित्य पढ़ रहे हैं, धार्मिक साहित्य जो है, धार्मिक साहित्य में रामायण चाहे वाल्मीकि हो चाहे रामचरित मानस हो, इसके अंदर राम को आपने कहाँ कहाँ देखा है? राम तो सर्वत्र है, आप हर भाषा में राम के ऊपर लिखा गया है, कम्मल रामायण है ना तमिल में, और आपके मराठी में, गुजराती में, हर भाषा में भगवान राम के ऊपर दिलीप साहित्य के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर भी हमारे साथ में है, लगातार साहित्य सृजन में और उसके पठन पाठन में उनकी रुचि है। सर आपसे जानना चाह रहे हैं कि राम का जो साहित्य का पक्ष है उसको आप कैसे देखते हैं? राम को तीन तरीके से अध्ययन किया जाता है, एक तो अवतारी राम, हीरोदान जो राजकुमार की तरह राम का, और तीसरा राम राजा के बेटे के तरह से और हमारे आराध्य के तरह से, तीन तरह से उनका अध्ययन किया गया। विष्णु के अवतार के रूप में हम देखें, पौराणिक काल में हमारे जितने पुराण हैं उनमें सब में, लगभग सब में, विष्णु पुराण में भी, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, हरिवंश पुराण में, सब में राम का उल्लेख है, यदाकदा महाभारत में भी उल्लेख है। तो ये वहाँ से अगर हम आपके चले, और फिर अगर वाल्मीकि पर आते हैं, वाल्मीकि चूँकि समकालीन है राम के, तो उन्होंने एक इतिहासकार के रूप में लिखा है, उन्होंने राजा के तरह लिखा है, वो भगवान की तरह नहीं लिखा है। हम जो वर्तमान में जिस तरह से राम को देख रहे हैं, हम सब तुलसी कृत रामचरित मानस से प्रभावित होकर के देख रहे हैं। तुलसी से पहले भक्ति मार्ग के लोग नहीं थे, अष्टाध्यायी भी पाणिनि ने लिखी थी, रघुवंश कालिदास ने लिखा है, और भी दूसरे कवि संस्कृत के भी हुए, भवभूति ने भी लिखा है, ये सब लिखे गए हैं। तो उन्होंने अवतारी के रूप में नहीं लिखा, दूसरे रूप में अपने पात्र के रूप में लिखा है। तुलसी के पहले कबीर हुए, और कबीर तुलसी के थोड़े समकालीन नहीं, 100 साल के पहले के हैं, तो वहाँ पे वो कबीर ने दूसरे सूफी स्टाइल में लिखा कि राम मेरो पीऊ में राम की बहुलिया, ये उनका सोचना है। या फिर यह कि कबीरा हरदी प्यूरी चूना उजल भाए, राम स्नेही जो मिले दोनों वर्ण गवाए, वो एक उनका स्वरूप दूसरा है। उसी वक्त रामानंद आचार्य का भी दूसरा था, विशिष्ट अद्वैत, उससे पूर्व में जो अष्टछाप के कवि हुए उन लोगों ने जो अध्ययन किया है वो अद्वैत और द्वैत और विशिष्ट अद्वैत के शंकराचार्य की जो परंपरा है, शंकराचार्य की परंपरा है, उनका अध्ययन अलग है। और फिर आ जाते हैं मान लीजिए तुलसी, तुलसी में भी अगर हम देखें तो दो स्वरूप लेते हैं, एक तो वो विष्णु का स्वरूप लेते हैं, महादेव जी से भी कहना देते हैं, वो वहाँ सुनो गाँव में अनुभव अपना सत हरि वचन जगत सब सपना, और दूसरी तरफ से तुलसीदास वही कहते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, विष्णु का अवतार भी मानते हैं उनको, और भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। जैसे ही वो भक्ति मार्ग में आते हैं तब ये सारा स्वरूप बदल जाता है। फिर तुलसी का राम जो है वो हर क्षण एक अवतार भी है और धीरोदात धीर ललित पात्र भी है। तीसरी एक सबसे बड़ी बात जो इन सब से निकल के आती है कि राम व्यक्ति हो, अवतार हो या साहित्य के पात्र हो, हमारी संस्कृति के प्रतिपादक है, संस्कृति के उद्घोषक है, हमारी संस्कृति का एक दर्पण है, राम हमारी भारतीय संस्कृति का विचार है, राम भारतीय संस्कृति का विचार है। पात्र के तरीके से हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने दिया, राम के बाद में रीतिकाल में जाएंगे तो रामचंद्रिका में राम का स्वरूप अलग है, तुलसी का स्वरूप अलग है,
ये यहाँ पर वो अलंकारों में घुस कर भी रह गए केशव। फिर उसके बाद के भी कवियों ने और बहुत से लोग आज तक साकेत में आया। राम तुम्हारा स्वयं है काव्य है, कोई कवि बन जाए भारत भारती वाले अलग लिखते हैं, दूसरे सब अलग अलग तरीके से देखते हैं, मगर राम का स्वरूप वही है। राम का स्वरूप भारतीय संस्कृति के एक प्रतिपादक का स्वरूप है। हम वो संस्कृति का एक दर्पण है भारतीय संस्कृति, और एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। बहुत से विवाद हैं, बहुत सी बातें हैं कि राम अपनी पत्नी को भी छोड़ सकते हैं और राम जंगल को भी जा सकते हैं। अगर इनको पढ़ेंगे, बहुत सारे आलोचकों ने बहुत तरीके से लिखा है, रामचंद्र शुक्ल का अध्ययन, डॉक्टर रामकिंकर उपाध्याय का अध्ययन, इन लोगों का अध्ययन कर देखा जाए तो राम के अलग स्वरूप को देखा है। हम वैसे जो हम आजकल राम की पूजा के रूप में देखते हैं उसको ना देखकर अगर साहित्य के रूप में देखें, साहित्य का अध्ययन करें, जो राम काव्य का साहित्य है वाल्मीकि से लेकर के अभी तक, उसमें राम का जो स्वरूप निरख के आता है वो तो दर्शकों को बताने का उद्देश्य यही था कि जब राम के बारे में बातचीत की जा रही है तो इन विद्वानों के मतों के हिसाब से भी जब राम को जानना चाहिए कि राम दरअसल है क्या। बहुत सारी अलग अलग मतों के बारे में सक्सेना सर ने बात की है, हमारे साथ में पंडित दयालपति नायक जी भी हैं। इनके पास और एक बहुत विचित्र चीज़ है, और जिस जगह से हम बैठे हैं वहाँ से भगवान राम का क्या संदर्भ हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। सर सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं और राम का जो मंदिर बनने जा रहा है, उस देश भर में जो लय है या माहौल है उसको लेकर पहले मंदिर को लेकर इसलिए नहीं होना चाहिए कोई भी प्रतिक्रिया कि राम सर्वत्र व्यापक है, और ये सबसे पहले भगवान शंकर ने कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो नहीं जाना। तो जो प्रेम रूपी हृदय है जिनका राम के प्रति, वो वहाँ प्रकट है। अब प्रश्न है प्रतीक रूप में, इसलिए भगवान ने अपने जन्म स्थली अयोध्या को चुना, लेकिन अयोध्या जैसी और भी नगरी है पर वो राम के कारण अयोध्या पुण्य भूमि है। तो राम कैसे हैं, वो परिवार से शुरू होते हैं। सुन जननी सुत सोई बड़ भागी ये मात प्रति चरण अनुराग, वह बालक वह लड़का वह पुत्र धन्य भाग है जो अपने माता पिता के चरण में अनुराग रखता है। ये घर घर में यदि आज राम के चरित्र का अनुकरण हो तो परिवार में पहली शांति और प्रगति उन्नति का पहला लक्षण। दूसरा, भगवान राम ने ये विचार किया कि राज्य अभिषेक राजा बनना तो शायद इसलिए मेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं, किंतु उन्होंने देखा कि अंतिम व्यक्ति कौन है, मेरे राज्य साम्राज्य में वास्तविकता क्या है। राजा तो अपने मंत्रिमंडल के बीच में बैठा है, तो उन्होंने राज का त्याग किया और त्याग करके वो सबसे पहले अपने वन की ओर जाते हैं। उनको वनवास मिला था या उन्होंने लिया था ये कथा का विषय है, विमर्श का विषय। हाँ, किंतु वो निकलते हैं और निषाद राज से मिलते हैं, निषाद राज से मिलते हैं, केवर से मिलते हैं, सबरी से मिलते हैं, जंगलों में रहने वाले वनों के बड़े बड़े विद्वान जो हैं, अगस्त मुनि ऋषि मुनि। राम जी का अपना एक बहुत बड़ा चरित्र है, हम आपसे वो जानना चाह रहे थे। कई बार आपने एक दो बार मुझे इस चीज़ को लेकर बताया कि कभी आप मिलना, तो राम का अशोकनगर से या जो राजराजेश्वर मंदिर है उसका रामचरितमानस से कोई संदर्भ आप बताते रहते हैं, कुछ चौपाई हैं और यहाँ की जो प्रतिमूर्ति है उनको, दोनों को आज सौभाग्य से हम दोनों को एक साथ लिए बैठे हैं। सर्वप्रथम आप अपने कैमरे को जो है मूर्ति की तरफ ले जाइए। अब इसको देखिए, अब ये तुलसीकृत रामायण है, इसके पृष्ठ 69 पर शिव पार्वती का विवाह होने के बाद पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म की कथा याद आती है। विवाह के ठीक बाद एक बार तेहितर प्रभु
गए तरु बिलोक गोरे अति सुख भयउ निज कर दास नागर कुछाला बैठे सहज सहज ही सम्मुख पाला। अब आप मूर्ति को देखेंगे तो सहज रूप में बैठे हैं। कुंद इंदु दर गौर शरीरा भुज प्रलम्ब पर धन मन चीरा। आप देखिए उनका केवल ये अशोक नगर में कपूर के समान गौर वर्ण है। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद छवि चहारी। देखिए चंद्रमा के समान उनकी छवि कैसी है। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोए बाल गुरु भाल। अभी आप भगवान के मुकुट के नीचे देखेंगे शिवरात्रि को श्रृंगार के पहले इनका अभिषेक होता है तो इनका मुकुट जो है सर्पों का बना हुआ है जटाओं का बना हुआ है। बैठे सोए काम रूप कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे तो विशेष बात है। आप कैमरा एक बार फिर उधर करेंगे तो पार्वती भल अवसर जानी गई संपय मात भवानी। और उसी समय माता उनके सामने आई तो जान प्रिया आदर अतकीना वाम भाग आसन हरदीना। तो भगवान शंकर ने उनको बाय भाग में बिठाकर पति हिति रे अधिक अनुमानी वेश उमा बोली प्रिय वाणी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन जय सैल कुमारी विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अब भगवान शंकर जो है राम कथा सुनाने के लिए तैयार हैं माता पार्वती को। पार्वती जी ने हाथ जोड़े हुए हैं यह इस रामचरितमानस में लिखा हुआ है। उन्होंने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की। मतलब आपका ये कहना है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसका पूरा का पूरा प्रसंग इस राजराजेश्वर जी को स्वरूप में घटित है। बंदौ पर धरण सिर विनय करो कर जोर बरनऊ रघुवर विसर्जन शुल्क सिद्धांत निचोर। आप देखिए अकेले शंकर जी का ही नहीं पार्वती जी का भी ये वर्णन इसमें है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि तुलसीदास जी ने इन भगवान को देखकर रामचरितमानस में ये प्रसंग वर्णन किया या इस मंदिर को देखकर तुलसीदास जी ने रामायण लिखी या रामायण को देखकर ये मूर्ति बनाई गई। यदि मूर्ति बनाने की बात आप करो तो बिल्कुल मंदिर के नीचे अग्निकोण में भगवान शंकर के जीर्णोद्धार का संबंध लिखा हुआ है। और भाई आज से 149 वर्ष पहले का है जीर्णोद्धार है। और भाई भी उदय राम मीणा जैसलमेर का नाम लिखा हुआ है। और जबकि इस मंदिर के सामने 100-150 वर्ष पहले तालाब था बहुत बड़ा और बीच में विदिशा रोड बनने से तालाब भी हट गया और स्टेडियम बन गया इधर बस्ती बस गई और ये ऊंचा जो टीला था वो बस्ती में शुमार हो गया। वास्तव में यह मंदिर एकांत बड़े टीले पर और उन लोगों की परंपरा में था जो कदम्ब गुहा कदवाय में बड़े बड़े जो तपस्वी गुरु लोग हुए हैं जिन्होंने भगवान शिव का शैव सिद्धांत का प्रचार किया है इसलिए उनका निवास इससे लगा हुआ गढ़ी में चार बुर्जों के बीच में था। और बीच में हजारेश्वर नाम का जो शिवलिंग है वो उस जगह था जहाँ आज दरगाह। अब इसकी अगर दो विद्वान भी हमारे बीच बैठे हैं आपने ये सब बातें बताई इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इससे निष्कर्ष विद्वानों से भी पूछना चाहिए। आप ये बनाए ये जो बताई है वो बिल्कुल एक सी चीज है। इस मंदिर की 1800 उसमें और इसमें इतना साम्य है कि लगता है कि ये देख करके ये रचना। मैं अपने उन दर्शकों को एक बहुत बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस मंदिर में हम बैठे हैं वो भगवान राजराजेश्वर का मंदिर है। ये लोग विद्वान हैं वेद और अध्ययन दूसरी चीज़ों का करते रहते। मैं जितना समझता हूँ कि भगवान शंकर को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है वो राम की
कथा प्रिय ये सौभाग्य कहिए कि राम के भरोसे में तीन बड़े विद्वानों के साथ राम कथा कर रहा हूँ उनके सामने, और ये पहला एक पावन प्रसंग आया कि ये तय तय हो रहा है कि रामचरित मानस ने चीजें जो उल्लेखित की गई है वो इस राजधानी के मंदिर में, भगवान माफ करे अब ये दोनों में से क्या चीजें देखिए प्राचीन काल का इतिहास का तथ्यों का क्रम है वो अंग्रेजों ने बिगाड़ा हुआ है, आज भी भारतीय उसको सुधार नहीं पाए। भूगोल की दृष्टि से भी कहें तो यहाँ से 60 किलोमीटर उत्तर में राजापुर नाम का ग्राम है, कहते हैं तुलसीदास जी का जन्म राजापुर ग्राम में हुआ है। लगता नहीं है बल्कि ये अंतःकरण में आभास होता है कि तुलसीदास जी ने यहाँ उसके साधना की है, इसलिए रामचरित मानस के प्रारंभ में वो लिखते हैं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण या प्याम बिना न पसंद सिद्ध स्वांत स्वीश्वरम। भवानी शंकर का ये स्वरूप और कहीं बताइए ऐसा है क्या पूरे देश में? राम कथा के पूरे देश में 22 चांसलर भी मेरे साथ यहाँ रहे, विद्वान भी लोग आए देश के, नृत्य गोपाल दास महाराज भी मेरे यहाँ आए हैं जो राम मंदिर के आज महंत हैं, उन्होंने भी हर हर महादेव यहाँ आके किया है मेरे साथ, मुझे वहाँ बुलाया भी है उन्होंने उज्जैन में, उनका पोस्ट कार्ड भी मेरे पास है, और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने भी यहाँ आकर हर हर महादेव करके दर्शन करके और अद्भुत रूप में इस मंदिर को स्वीकार किया है। तो राज राजेश्वर मंदिर का नाम था, साथ में उन्होंने कहा कि राज राजेश्वरी साथ में विराजमान है, ये स्वरूपानंद जी के शब्द हैं। बहुत बड़ी बात जो इस समय एक बहुत संयोग के साथ निकल के आई है इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि हम बात कर रहे थे राम और उनके जो मंदिर बन रहे हैं उस पर चल रही विमर्श के बीच में, सर एक और प्रश्न आपसे करना चाह रहा हूँ। आपने साहित्य में बहुत वेदांत से लेकर अब तक के नाम लिए और आखिरी नाम आपने रामलिंगा जी तक चला, उसको कुमार विश्वास तक भी लिए जाते हैं, सबके साधु संत विचारकों ने राम को अपने अपने तौर पर आगे बढ़ाया, पहली बार नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकारी स्तर पर राम को जो है इतना प्रतिपादित किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी इतिहास में राजा महाराजाओं के बाद में सरकारी स्तर पर राम इस तरह से पूजे जा रहे हैं, इस पर आप समझते हैं? हम लोगों का सौभाग्य कि हमारे जीवन काल में यह सब देखने को मिल रहा है, यह हो रहा है, पिछले कई वर्षों से कई दशक से ये बात कोशिश चल रही है, और क्योंकि 500 साल से राम लगभग वनवास में थे वो अब नए स्थापित किए जा रहे हैं, कोई भी हो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो कर रहा है, इससे बड़ा भाग्य और कुछ हो नहीं, बहुत अच्छा है कोई भी व्यक्ति। सर ये कह रहा है कि भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, आपने लगभग 88 साल की उम्र में है तो करीब करीब 70-80 वर्ष राम की तपस्या या राम को देखा होगा कि मंदिर बन जाए, आपकी भी कभी इच्छा नहीं है कि राम की मंदिर इस तरह से बने? जब आपने शुरुआत में इस आंदोलन को देखा था तो उस समय शुरू क्या होता था? सत्तर के दशक में मैं अयोध्या गया था, तब वो चबूतरे पर मूर्तियां रखी हुई मैंने देखी थी, सब भी द्रवित हो जाते। आपने रामलला के दर्शन किए? आपने किए? जी हाँ, मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। भगवान राम के जन्मभूमि को लेकर आंदोलन चल रहा था, उन दिनों में अखबारों में चर्चा आती थी और राम मंदिर की जो बाढ़ की घटना है उसके पहले अखबार में तीन गुम्बदों के फोटो आए, मैंने उनको देखा कि ये गुम्बद है तीन, इनमें राम जन्मभूमि भीतर है, और फिर रात्रि को मुझे स्वप्न आया कि मैं अपने बच्चे पत्नी के साथ अयोध्या गया हूँ और एक बड़ी दीवार उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, वहाँ टेंट बना हुआ है उसमें अकेले हनुमान जी सिपाही की ड्रेस पहनकर बैठे हैं और मजीरे बजाकर रामधुन गा रहे हैं। हमने उनसे पूछा भगवान राम का मंदिर कहाँ है, तो उन्होंने इशारे से ऐसे बताया उंगली कि आप ऐसे जाइए, मुझसे बोले नहीं, राम कीर्तन बंद किया नहीं, और हनुमान जी पूरे हनुमान जी थे पर ड्रेस केवल सिपाही की थी, वर्दी उनकी जो है गणवेश उनका जो है पुलिस का था,
और बंदूक टिकी हुई थी। तम्बू में से हम बाहर निकले, सामने एक गुब्बारा वाला दिखा, बच्चे को गुब्बारा दिया और सब कुछ मिट गया। एक चबूतरा दिखा जिस पर तीन लगे हुए कपड़ा ऊपर तना हुआ है और उसके भीतर रामलला बैठे हैं। इसके बाद जब स्वप्न टूटा और दूसरे दिन फिर अखबार आया तो वही दृश्य दिखाई दिया जो हमने आपको अभी वर्णन किया है। हमारे मुख्य विषय यही है कि भगवान राम के प्रति, भगवान राम का प्रचार राम नाम का कैसे हो, इसके लिए हरण महादेव सायंकाल 6 बजे, इसके पहले 5:58 पर श्री राम जय राम की धुन होती है, फिर हरण महादेव होता है। हरण महादेव का अर्थ है राम भक्ति। हरण भगवान शंकर की जो भक्ति करेगा, तो भगवान शंकर की भक्ति में राम नाम के फल लगते हैं, तभी राम की भक्ति प्राप्त होती है। और एक बात कहूँ, इस बात को विशेष करके मानिए, जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो इस बात को गौर करिए कि महंत श्री गोपाल नित्य गोपाल दास, उनको ये श्रेय क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने हर महादेव आकर यहाँ किया। स्वरूपानंद सरस्वती जी आज भारत में एकमात्र ऐसी तिथि विभूति है कि शंकराचार्यों की शोभा और दूसरे किसी में नहीं है। बात रही मुहूर्त की, तो बात सही है कि मुहूर्त अपने आप में जो गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री काशी के हैं उन्होंने निकाला, लेकिन हमारे यहाँ वैष्णव आगम में वैष्णव मूर्तियों की स्थापना कभी चतुर्मास में नहीं होती। हमारे यहाँ हरिशयन, हरि पार्श्व परिवर्तनी और देवोत्थानी एकादशी होती हैं, केवल इसीलिए आभाकाशित पक्षेषु ये सूत्र है, आ माने आषाढ़, भा माने भाद्रपद, का माने कार्तिक, सित माने शुक्लपक्ष, मत पार्श्व परिवर्तने, भाद्रपद में उनका क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन माने वो अपना करवट बदलते हैं और झूला झूलने एकादशी दोल निकलते हैं, और देवोत्थान एकादशी में तो देव जागते हैं, फिर देव वैष्णव देवों की प्रतिष्ठा होती है। इतना है कि उग्र देवताओं की प्रतिष्ठा हम इस चतुर्मास में कर सकते हैं, जैसे नव दुर्गाओं में देवी की प्रतिष्ठा होती है, ऐसे ही नरसिंह की या भैरव जी की प्रतिष्ठा हो सकती है, पर भगवान राम तो स्वयं ही मुहूर्त है। इसका प्रमाण क्या है कि जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तब दशरथ जी जो है इसके पहले अपने मन लेकर गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनका प्रभु मेरी आखिरी इच्छा है कि भगवान राम का राज्याभिषेक हो, तब वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया है इस रामचरितमानस में लोग पढ़कर देखें, उन्होंने यही कहा है कि वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी जब राम हो युवराज, उनने कोई मुहूर्त नहीं दिया दशरथ जी को, और उनका वेग जल्दी करो जल्दी करो। मतलब ये माने जाए कि राम के काम में कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, ये सब मौलिक चीजें हैं, मौलिक चीजें हैं। भगवान राम जो है स्वयं मुहूर्त के निर्माता है, भगवान राम मुहूर्त के स्वामी है, भगवान राम देखिए राम है, इसलिए भगवान राम का ही दिन है। आखिरी एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, दुनिया कैसे रहती है, आपको लग रहा है कि चीजें कुछ समझ में आई कैसे लग रहा है आपको, क्या अच्छा होगा, राम मंदिर बन जाएगा, उसके लिए तो घरे खोलिए, घूम घूम रहे हम, हरी दूध चढ़ाते हैं, गुरु बात को हरे फल खाते हैं, हरी मिठाई खाते हैं और गायों को हरा चारा डालते हैं, तो इसी वजह से हरी ड्रेस में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल बुधवार का भी तो बहुत बुधवार है। और ये तो ये अशोकनगर के तीन बड़े विद्वान थे और इनको राम को संदर्भ में हमारे अशोकनगर में आपके साथ में लेकर आए, आगे ये चर्चा लंबी चलती रहेगी, राम जैसे विषयों पर जितना बोला जाए उतना कम है। आदरणीय सक्सेना जी हमेशा एक बात को कहते रहते हैं कि उन्हें तुलसी से बड़ी दिक्कत है, तो दिक्कत तुलसीदास जी से इसलिए है कि वो राम के बारे में सब कुछ लिख गए, उसके बाद न कुछ लिखने बचता है न कुछ बोलने बचता है, पर इसके बाद भी लोग बोल रहे हैं मेरे राम के प्रति यही भावना है, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मंत्र सकल वासना भागई, केवल राम चरण लो लागई, हर रघुनंदन प्राण प्रीते, हर रघुनंदन प्राण प्रीते, तो तुम जिये तो बहुत दिन बीते, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, तो सब तक भजन करो दिन राति,
जय विद्यनाथ हो तोरा करो सुमेर दास न तोरा दीन दयाल बंद संभारी कोई आखिरी चौपाई राम को स्मरण नहीं बस हम है वो तुरीय अवस्था को प्राप्त राम है और इतना जरूर है कि हम ये हमारे पूर्वज हैं और इतना उन्होंने लिखा कि हमें अब कुछ कहने की जरूरत नहीं चलिए कोई आखिरी चौपाई राम जी को लेकर जो है सरल रामायण लिखती है हमारे यहाँ से कोई एक चौपाई उसकी याद है आपको याद करेंगे लेकिन एक बार है वो किताब जी पढ़ी है मैंने सरल रामायण न केवल इन्होंने बल्कि इनके पहले के जो कवि रहे श्रीकृष्ण सरल उन्होंने भी भगवान राम को लेकर अपनी खुद की रामायण लिखी है। ये सब लोग भी अपने अपने स्तर पर भगवान राम और दूसरे विषयों पर बात करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।